न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज आप सभी लोगों के लिए मैंने टॉप और बेस्ट गेमिंग लैपटॉप से यहां पर लेके आ चुका हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप स्मार्टफोन्स पर वीडियोस बनाते हैं, आप कभी लैपटॉप पर भी बना दो। तो मैंने सोचा यार अभी कोई फिलहाल के लिए ऐसा कोई लैपटॉप तो है नहीं जो आपको लाके पर्सनली बताऊं। तो यहां पर दोस्तों अगर आपकी बजट 55,000 और उसके नीचे है तो मेरे पास यहां पर काफी सारे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनको आप जाके परचेस कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा गेमिंग लैपटॉप चाहिए और ज्यादा भी बजट नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको स्मार्टफोन नहीं ले रहे तो ऑब्वियसली जब आप लैपटॉप लेते हैं तो 50,000 तक तो आपको रखना ही है क्योंकि उसमें आप अच्छे से गेम भी आपको खेलना है। और सारे लैपटॉप जो आपको मैं बताऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहला जो लैपटॉप है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है Asus का टफ FX505 वाला। ये वैसे 53,000 का है, भी कभी कभी सेल पर जाता तो आपको 50,000 के अंदर मिलेगा और इसमें आपको AMD Ryzen 5 3550H वाला प्रोसेसर मिलता है। ये AMD वाला प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि मैं Intel की कौन से प्रोसेसर से इसको कंपेयर करूं तो ये मुझे अंदाजा होगा, तो Intel का i5 9th जनरेशन वाला जो प्रोसेसर है ये उसके ही आप उसको बराबर बोल सकते हैं, ये थोड़ा उससे नीचे हो सकता है कुछ वैसे आप समझ लीजिए। और इसमें आपको RX 560X वाला जो वो ग्राफिक्स मिलता है जो कि 4GB का है और GDDR5 वाला है, तो जो वर्चुअल रैम गेमिंग की वो बहुत ही बढ़िया है, आपको अच्छे खासे गेम्स खेलने मिलेंगे। उसके अलावा 8GB की आपको रैम मिलती है जिसको आप एक्सपांड कर सकते हैं और 1TB की आपको हार्ड ड्राइव मिलती है, तो ये सफिशिएंट है दोस्तों। और 15.6 इंच की आपको फुल HD वाली डिस्प्ले मिलती है। उसके बाद जो कीबोर्ड है वो बैकलिट है, इसमें आपको डुअल फैन का सपोर्ट मिलता है, हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी है, आपको आर्मरी क्रिएट है, फ्री सिंक AMD वाली जो वो टेक्नोलॉजी मिलती है, बहुत सारे ऐसे एडिशनल चीजें हैं जिससे आप अपनी गेम प्ले को इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे एक बार मैंने इसका हैंड्स ऑन किया था बहुत पहले, इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इसमें मैंने GTA 5 खेला था तो वो अच्छी चल रही थी। तो इस प्राइस पर दोस्तों अगर आपको एक अच्छा खासा डिसेंट गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो जो सबसे पहले लैपटॉप है वो है Asus का टफ FX505। उसके बाद दोस्तों अगर आपको AMD वाले प्रोसेसर वाला लैपटॉप नहीं चाहिए तो आप लोगों के लिए 55,000 में Acer का Nitro 5 Core i5 9th जनरेशन वाला आपको ये लैपटॉप मिलेगा। ये दोस्तों सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में जिसके बारे में अभी पहले मैं आपको Asus का बताया था, इसमें भी आपको 8GB की रैम है, 1TB की हार्ड ड्राइव है, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड है, उसमें भी वैसे विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड था। और इसमें दोस्तों आपको 3GB की आपको यहां पर ग्राफिक्स मिलती है GDDR5 वाली, लेकिन इसमें आपको NVIDIA का 1050 वाला ग्राफिक कार्ड है तो ये थोड़ा बेटर है और ये NVIDIA वाले थोड़े अच्छे चलते हैं, तो हाँ इसमें भी आप अच्छे खासे गेम्स खेल सकते हैं। और यहां पर भी 15.6 इंच की फुल HD वाली डिस्प्ले है, बैकलिट कीबोर्ड है, इसमें भी डुअल फैन का आपको मिलता है सपोर्ट, DTS सराउंड साउंड वगैरह के फीचर्स एडिशनली मिलते हैं। तो इंटेल वाला चाहिए i5 9th जनरेशन का तो 55,000 में Acer Nitro 5 है, अगर AMD चाहिए तो आप वो पहले वाला भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों Lenovo का IdeaPad 330 ये भी एक अच्छा डिसेंट लैपटॉप है, 46,000 में आपको मिल जाएगा और इसमें दोस्तों आपको कोर i5 8th जनरेशन वाला CPU मिलता है और साथ में इसमें आपको 2GB का MX150 का ग्राफिक कार्ड भी मिलता है, तो ये डिसेंट दोस्तों एकदम हाई परफॉर्मेंस के लिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ आप अच्छे खासे गेम्स खेल सकते हैं, प्लेएबल है, मैं ऐसा बोल सकता हूं गेम्स इसमें प्लेएबल है, विंडोज 10 इसमें प्री इंस्टॉल्ड है और साथ में 8GB की रैम है, 1TB का हार्ड ड्राइव है। अच्छी बात यह कि जितने लैपटॉप्स मैंने आपको बताया इसमें आप एक्सपांड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसमें भी 15.6 इंच की फुल HD वाली आपको डिस्प्ले मिलती है, बैकलिट कीबोर्ड है, फैन है और सेपरेट आपको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी मिलता है, तो वो सारे लैपटॉप्स में, तो एडिशनली भी आप CDs वगैरह लगा सकते हैं, तो ये भी एक डिसेंट लैपटॉप है दोस्तों 46,000 में, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है HP का Pavilion 15EC, ये जो लैपटॉप है दोस्तों 55,000 का आपको मिलता है और मैं आपसे रेकमेंड करता हूं कि अगर आप बजट 55,000 तक का लेके जाते हैं तो यही लैपटॉप लेना, ये बढ़िया है, इसमें आपको एक्चुअली में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, जितने मैंने लैपटॉप बताया था ना ये उन सबसे बेटर है। वैसे इसमें आपको मिलता है AMD का Ryzen 5 क्वाड कोर वाला प्रोसेसर जिसके बारे में मैं आपको बता दिया, आपको 8GB की रैम है और इसमें आपको 1TB की हार्ड ड्राइव है, लेकिन साथ में 128GB की आपको SSD भी है, तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको स्टोरेज काफी फास्ट मिलती है। साथ में वैसे ग्राफिक्स की बात करें तो NVIDIA आपको 1650 वाला मिल रहा है, GDDR5 वाला 1650 है, ये 1050 जो TI वाला था ना ये उससे 25% थोड़ा बेटर है, तो ग्राफिक्स आपको यहां पर और अच्छी मिल रही है, डिस्प्ले वही सेम आपको सब में आजकल मिल रही है, 15.6 इंच की फुल HD वाली बैकलिट कीबोर्ड, इसमें भी डुअल फैन वगैरह का आपको सिस्टम मिलता है, ओवरऑल दोस्तों अच्छा है,
वैसे इसमें फास्ट चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से 55,000 में एक बढ़िया लैपटॉप है। अगर आपको अच्छे गेम खेलना है, पबजी वगैरह भी खेलना है, तो आई थिंक ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो फाइनल लैपटॉप हमारे लिस्ट में आता है वो है Asus का ROG Strix G। जी हाँ, इसमें आपको i5 9th जेनरेशन वाला प्रोसेसर मिलता है। तो जो सीपीयू दोस्तों वो यहाँ पर काफी बढ़िया है, 8GB की रैम, यहाँ पर भी 1TB का आपको हार्ड ड्राइव है। मैंने जैसे कहा था आप एक्सपांड कर सकते हैं। इसमें वैसे आपको 4GB की GDDR5 वाली NVIDIA का GeForce GTX 1050 वाला ग्राफिक्स मिलता है। तो आपको 4GB की वर्चुअल रैम मिलती है, इसका मतलब आप गेम्स में ग्राफिक्स को बढ़ा सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, विच इज गुड। और उसके अलावा 15.6 इंच की फुल HD की यहां पर भी डिस्प्ले। इसमें वैसे आपको मल्टी कलर बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, डुअल फैन का सिस्टम आपको यहां पर भी है। और ये लैपटॉप ना वैसे काफी लाइट वेट है और इसमें भी प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 मिलता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये भी काफी बढ़िया लैपटॉप है जो आपको 56,000 का मिलता है। थोड़ा 1,000 ज्यादा डालना है, लेकिन ये भी काफी बढ़िया लैपटॉप है। तो दोस्तों ये थे वो सारे लैपटॉप्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो 55,000 की रेंज के अंदर आपको इंडिया के अंदर मिलते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कोई गेमिंग लैपटॉप्स परचेस करना है, अच्छे गेम खेलना है और बजट 55,000 के आसपास है, तो ये सारे लैपटॉप्स आप जाके परचेस कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे लैपटॉप्स है जो 25,000-30,000-40,000 में मिलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही बताया जिसमें आप अच्छे गेम्स खेल सकते हैं। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।